पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पुराने तेवर अब दिखने शुरू हो चुके हैं। कभी जनता से जुड़े मुद्दों पर सड़क पर जन आंदोलन करने वाले अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राज्यपाल राम नाईक से मिलकर और उनको ज्ञापन देकर विरोध दर्ज कराने के साथ ही सरकार के खिलाफ विरोध की बिगुल बजा दी है। अलीगढ़ का टप्पल कांड हो या फिर आगरा में महिला अधिवक्ता की चैम्बर में ताबड़तोड़ गोली दागकर उनकी हत्या, ऐसे तमाम अन्य अपराधों पर अखिलेश यादव ने राजभवन का कूच किया और राज्यपाल राम नाईक से मिलकर ज्ञापन देकर विरोध दर्ज कराया। राज्यपाल राम नाईक से मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, जिनको जेल में होना चाहिए वह भाजपा की सरकार में खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बेटियों के साथ ऐसे अपराध कभी नहीं हुए होंगे। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि लखनऊ में सीएम बैठक करते हैं और इसी दौरान महिला अधिवक्ता की उनकी चैम्बर में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उन्होंने कहा, यह बेहद शर्मनाक घटना है। चाहिए अपराधियों को जहां जेल में होना चाहिए, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। बेटियों के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, महिलाओं के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेटियां महिलाओं के साथ जो घटनाएं हो रही हैं लगातार बढ़ रही हैं। ये शर्मनाक ही नहीं बल्कि सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी हुई है। यहाँ पर लखनऊ में मीटिंगें होती हैं और जिस दिन मीटिंग होती है उस दिन अपराधी अपराध बड़े पैमाने में करते हैं। लखनऊ से जनमत न्यूज के लिए धीरेन्द्र श्रीवास्तव और आशीष कुमार की रिपोर्ट।